सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन्यकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा उपस्थित है आज एक नए विषय के साथ। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। सत्संग, एक भक्त जो होता है वो परमात्मा से यही कहता है, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, हे परमात्मा तू ही इस संसार का करता है, धरता है, और तू ही सबका आधार है। आधार अर्थात बेस है। अगर सत्संगत इमारत है उसकी नींव ना हो तो इमारत कहाँ खड़ा रह सकता है। तो सत्संगत सारे संसार का आधार परमात्मा है, और ये परमात्मा जो पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, इसी का एहसास महात्मा करवाते हैं। सत्संग भक्त इसीलिए कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। कि परमात्मा को समदर्शी कहा गया क्योंकि सारे संसार को उन्होंने एक जैसे सूरज की रोशनी, एक जैसा बरसात का पानी, एक जैसे चांद की चांदनी, एक जैसी नदियाँ, एक जैसे पर्वत झरने पहाड़ और एक जैसे थरा को बनाया। सब कुछ सबके लिए एक जैसा ही दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को ज्यादा मिल गया या मुझे कम मिल गया, नहीं, परमात्मा ने सबको एक जैसा दिया, इसीलिए परमात्मा को समदर्शी कहा गया। और सत्संगत इसकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। इस बात को कोई माने ना माने, लेकिन ये सत्य है, अकाट्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन भक्त यही कहते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, हम तो सोच के ही परेशान रहते हैं। इसलिए हमारी सोच में, हमारे विवेक में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में आपका वास हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, आनंदमयी हो सकता है। महात्मा कभी भी जीवन के हर पल में परमात्मा को ही श्रेय देते हैं। कभी ये नहीं कहते कि मेरे द्वारा हुआ या मैंने किया या मैं करूंगा या मैं करना चाहता हूं, ना 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 ना, ये सब कुछ परमात्मा करवा रहा है। हम सब हैं कठपुतली नचाने वाला तू, जिंदगी के खेल के रचाने वाला तू। और जिंदगी के खेल को परमात्मा के द्वारा जो प्ले करता है वो ही एक सफल अभिनेता होता है। हमें रोल दिया गया है, हम सभी अपने रोल का निर्वाह करें, उसको शिद्दत के साथ निभाएं। हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर ही डिपेंड करता है। सत्संगत एक सेल फोन होता है, फोन के अंदर एक बैटरीज होती हैं, रैम्स होते हैं, और मतलब सब कुछ उसके अंदर ही है। इसीलिए कहा गया इसके बाहर कुछ नहीं, सब कुछ इसके अंदर। जैसे परमात्मा ने बनाया, परमात्मा के अंदर ही सारी दुनिया है, और सत्संगत परमात्मा ने ही जीवात्मा को बनाया, जीवात्मा के अंदर ही सब कुछ है। चाहे वो ज्ञान का उपयोग करे तो मुक्त हो जाए, चाहे पाप का उपयोग करे तो वो दुर्गुणों से लिप्त हो जाए। तो सत्संग कहीं कुछ बाहर नहीं खोजने जाने को है, सब कुछ तेरे अंदर। वन में काहे खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तेरे संग समाई। परमात्मा तेरे संग है, अंग और संग। इसीलिए महात्मा कहते हैं हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार होकर ये भाव मन में रखें, हे प्रभु हम हैं सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार,
हम भूल जाते हैं, लेकिन आप हमेशा हमारे मन में बसे रहो ताकि हमसे भूले ना हो, हमसे गलतियां ना हो। पीड़ा, दुख, कष्ट, ये सारी चीजें इंसान को मिलती हैं तो इंसान कहता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन ये बात भी इंसान को ही सोचना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें कि इसका एहसास ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। जिस एहसास की ज्यादा जरूरत है उसका ही एहसास बनाए, तभी जीवन में आनंद है, तभी जीवन में खुशियां हैं, तभी जीवन में भक्ति है। इस स्वभाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।